हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है। अ सैटेलाइट इन अ फोर्स फ्री स्पेस स्वीप्स स्टेशनरी इंटर प्लेनेटरी डस्ट एट अ रेट dm बाय dt इक्वल्स टू अल्फा वी। द एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट इज, तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि dm बाय dt इक्वल्स टू अल्फा वी है और हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं कि फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन सैटेलाइट विच इज इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू डी पी बाई डी टी। यहाँ पे पी मतलब क्या है, मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ द फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। उसी हिसाब से हमने इसको लिखा है, लेकिन हमें पता है कि मोमेंटम मतलब क्या होगा, एम इन टू वी, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। तो यहाँ पे हम लोग अभी लगाए थे प्रोडक्ट रूल, दैट इज फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ओके, तो ये हमने यहां पे प्रोडक्ट रूल यूज कर लिया। नाउ क्वेश्चन को अगर प्रॉपरली पढ़ते तो यहां पे दिया है फोर्स फ्री स्पेस, इसका मतलब यहां पे जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है सैटेलाइट पे वो हम लोग जीरो ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा जीरो इज इक्वल्स टू एम डी वी बाय डी टी और प्लस वी। अब dm बाय dt की वैल्यू हमें यहां पे गिवन है अल्फा इंटू वी, तो यहां पे मैं लिखूंगा अल्फा इंटू वी। ओके, नेक्स्ट माइनस ऑफ m dv बाय dt, हमने क्या किया, ये जो टर्म है इसको इधर शिफ्ट कर दिया है, इज इक्वल्स टू अल्फा वी स्क्वायर। और क्योंकि मुझे dv बाय dt फाइंड करना है, दैट इज एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा अल्फा वी स्क्वायर और माइनस के साथ यहां पे मैं m को शिफ्ट कर देता हूं। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। तो इस हिसाब से ऑप्शन अगर चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है।